मैथमेटिक्स जीवी में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास आठवीं का चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। पांच चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे आशा है कि आप सभी भी क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। और आज हम लोग चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्यंजक राशियों का गुणनखंड। आज हम लोग क्या करेंगे, इन व्यंजक राशियों का क्या निकालने जा रहे हैं, गुणनखंड निकालने जा रहे हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो आपको व्यंजक पद लिखे गए हैं जिसमें चरांक और संख्याओं का उपयोग करके धन ऋण गुणे भाग का चिन्ह का उपयोग करके क्या किया जाता है, लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, व्यंजक राशि। और इन राशियों का आपको क्या करना है, गुणनखंड कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी आपको चार एक्सरसाइज है, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, और ये चारों एक्सरसाइज को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से कंप्लीट करेंगे। इसमें से कुछ एक्सरसाइज में से कुछ सवाल को क्या किया गया, इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया है, तो उसे भी हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, यानी कि वो सवालों को इस बार के लिए छोड़ देंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 6.1 है उसमें आपको बोला है वर्ग त्रिपद का गुणनखंड। वर्ग त्रिपद का गुणनखंड मतलब हमें खंड करना है उस, लेकिन इसमें कितने पद रहेंगे, त्रिपद। त्रिपद बोला मतलब तीन पद, 1, 2, 3, ये जो प्लस माइनस करके लिखा रहता है, तो ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है और ये तीसरा पद, तो इसी तरह से ये तीन पद है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, त्रिपद। और इसे वर्ग क्यों कहा गया है, तो क्योंकि इस बहुपद के ऊपर क्या है, सबसे बड़ा घात कितना है, दो है। आप जानते हैं जिस बहुपद के ऊपर जितना बड़ा घात होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्ग। एक पद, द्विपद, ऐसे आपको नाम दिया जाता है, वर्ग, घन, और पदों की संख्या के आधार पे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ऐसे बहुपद जिसे कहा जाता है, यानी ज्यादा पद रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, बहुपद। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग त्रिपद के गुणनखंड याद करेंगे, क्योंकि इस वर्ग का सबसे बड़ा घात दो है, इसलिए इसको कहा गया है वर्ग, और इसमें टोटल है तीन पद, इसलिए कहा गया है इसके त्रिपद, त्रिपद। और इस वर्ग त्रिपद का हम लोग क्या करेंगे, आज गुणनखंड याद करेंगे। और आगे जाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये सवाल आपको नौवीं में भी मिलेगा, दसवीं में मिलेगा, यानी कि अगर आज आपने सीख लिया तो तीनों क्लासों में आपको क्या होगा, ये काम आएगा। और जो बच्चे अभी नौवीं और दसवीं में हैं और उनको अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से फिर से वह सीख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने बताया दसवीं में भी है। तो याद रखिए कि दसवीं के बच्चे अगर भूल गए हैं तो वो भी इस चीज को क्या कर सकते हैं, देख कर पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर जो भी इस चैनल से अभी नए जुड़े हुए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। स्टार्ट करने से वर्ग त्रिपद का गुणनखंड स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ नियम लिख दिए हैं। ये नियम के तहत अगर आपको ये नियम अच्छी तरह से याद है तो आपको किसी भी बहुपद का गुणनखंड करने में, उसको हल करने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए, हम लोग पहले क्या करते हैं, सारे नियम पढ़ लेते हैं, इसके बाद वही नियम को क्या करते हैं, इन सवालों में अप्लाई करेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बोला है कि ये जो आपको देखो समीकरण, हर समीकरण इस रूप में रहेगा, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी, ये तीन पद उसमें रहेंगे। और ये तीन पद जब ऐसे इस प्रकार का समीकरण रहेगा, जैसे यहां आप देख सकते हो 1, 2, 3, ये समीकरण है, तो इसी रूप में है समीकरण। अब आप बोलोगे इसमें सर ए क्या है, यहां पे तो ए दिखाई नहीं दे रहा, तो यहां जहां कोई नंबर नहीं रहता वहां मतलब ए का मान एक होता है, और ये जो 9 है ना ये बी का मान है, और ये जो 18 है ना किसका मान है, सी का मान है। इस तरह से आप समीकरण की अगर तुलना करें तो ए के स्थान पे यहाँ कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा मतलब 1 है, बी के स्थान पे कौन सा नंबर है, 9 है, और सी के स्थान पे कौन सा नंबर है, 18 है। तो जब इस तरह का समीकरण दिया जाएगा तो आपको हल करना स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले ए गुणे सी करिए, मतलब जो यहाँ नंबर है उसका गुणा किसमें करना है, आखिरी वाले नंबर यानी कि सी वाले नंबर में आपको करना है। तो मेरे पास यहाँ कोई नंबर नहीं है यानी कि एक है, एक का गुणा मैं किसमें करूंगा, 18 में करूंगा। तो मैं सबसे पहले काम कर लेता हूँ, एक गुणे 18 कितना होता है, 18। अब मुझे क्या करना है, इसके बाद जो गुणनफल आएगा, कौन सा गुणनफल आया, 18 आया, इनको जो गुणा करते हैं उसके बाद जो आता है उसको क्या बोलेंगे, ए और सी का गुणनफल। तो ए और सी का गुणनफल कितना आ रहा है, 18 आया है।
तो उसका मुझे ऐसा गुणनखंड करना है। अब मुझे क्या करना है, इस 18 का ऐसा खंड करना है, यानी कि इसे दो ऐसी संख्याओं में बांटूं जिसका गुणा करने पे तो यही आए, लेकिन उसका योग या अंतर करने के बाद बी के बराबर आए। यानी कि मुझे इस संख्या का ऐसा खंड करना है जिसे जिसे मैं गुणा करूं तो 18 ही आए, लेकिन उसे जोड़ दूं या घटा दूं तो मेरा कौन सा नंबर आना चाहिए, यहां जो नंबर लिखा है डी के स्थान पर, यानी कि 9 आना चाहिए। मतलब मुझे 18 का ऐसा खंड करना है, ऐसी दो संख्या चुननी है जिसका मैं गुणा करूं तो 18 ही आए, और उसे जोड़ दूं या घटा दूं, उन्हीं संख्याओं को जोड़ या घटा दूं तो कौन सा नंबर आए, 9 आए। ऐसी दो संख्या हमें इसके बाद क्या करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। चलिए अब हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है 18 किस किस पहाड़ में, सर आपको नंबर्स ढूंढने हैं, तो देखिए 1 × 18 करने पे भी क्या होता है, 18 आता है, लेकिन मैं अगर 1 में 18 जोड़ता हूं तो 19 हो जाता है, और 1 में से 18 अगर घटाता हूं तो 17 हो जाता है। मेरा नंबर मिल रहा है क्या, नहीं, यानी कि ये दो नंबर 1 और 18 नहीं हो सकते हैं। अब इसके बाद 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, जिस पहाड़े में वह नंबर आता हो वही लेंगे ना, तो 2 × 9 = 18 होता है ना, लेकिन अगर मैं 9 में 2 जोड़ता हूं तो 11 आता है, ये नंबर आया क्या, नहीं, और अगर 9 में से 2 घटाता हूं तो कितना आता है, 7 आता है, ये नंबर आया क्या, नहीं। और दूसरी बात, घटाना मैं क्यों कर रहा हूं, अगर याद रखिए यहां पे सी के स्थान पे अगर प्लस चिन्ह है, ध्यान से सुनो सारे नियम मैंने यहां लिखा है, अगर सी का चिन्ह प्लस में हो तो संख्या बी जोड़ने पे ही आनी चाहिए। तो याद रखना है कब हमें जोड़ना है, जब यहाँ प्लस चिन्ह होगा तो हमें दोनों संख्या को जोड़ना है, और अगर यहाँ माइनस चिन्ह होगा तो हमें दोनों संख्याओं को क्या करना है, घटाना है। क्लियर, गुणा मतलब मुझे खंड करने पे क्या मिलना चाहिए, 18 आना चाहिए, और अगर यहाँ प्लस चिन्ह होगा तो जोड़ने पे 9 आना चाहिए, और अगर यहाँ माइनस चिन्ह होगा तो यहाँ घटाने पे 9 आना चाहिए। नियम को अच्छी तरह से पढ़ लो, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड में लिखा है अगर सी का चिन्ह प्लस में होगा तो ये जो नंबर आना चाहिए वह कैसे आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए, और अगर सी का चिन्ह माइनस में रहेगा, यहाँ देखो नियम लिखा गया है, अगर सी का चिन्ह माइनस में हो तो संख्या बी घटाने पे मिलनी चाहिए। तो कब हमें घटाना है, कब हमें जोड़ना है, ये कौन डिसाइड करेगा, सी का चिन्ह, सी के आगे अगर प्लस तो जोड़ने पे आना चाहिए, और सी के आगे अगर माइनस तो घटाने पे आना चाहिए, कौन, बी नंबर। ओके, 4 नियम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसके बाद आप याद रखना है कि जब घटाने पर बी प्राप्त हो रहा हो, यानी कि अगर यहां पर बी जो नंबर आ रहा है वो हमें घटाने पे प्राप्त हो रहा हो, तो यानी कि दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि घटाने की क्रिया कब होती है, जब दोनों संख्या क्या होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो कब कौन सा चिन्ह हमें देना है, याद रखना अगर बी के आगे प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या प्लस, यानी जो दो संख्या हमें मिलेगी उसमें जो बड़ी संख्या होगी वह प्लस में रहेगी, और जो छोटी संख्या रहेगी वह किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। घटाने जब हमें घटाने पे क्या प्राप्त होता रहेगा, बी, जब बी घटाने पे प्राप्त होता रहेगा तो बी के आगे का जो आपको दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग रहेंगे उसमें से बड़ी संख्या प्लस में रहेगी और छोटी संख्या माइनस में। और अगर घटाने पे ही बी प्राप्त हो रहा है, देखो 5वें का मैंने फर्स्ट सेकंड लिखा है, अगर घटाने पे ही बी प्राप्त हो रहा है और बी के आगे ऋण का चिन्ह लगा है तो बड़ी संख्या माइनस में और छोटी संख्या प्लस में। तो याद रखना है यहां ये वाला चिन्ह डिसाइड करता है कि मुझे बड़ी संख्या को कौन सा चिन्ह देना है। अगर यहाँ प्लस है तो याद रखना बड़ी संख्या प्लस में रहेगी, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी बड़ी संख्या किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। ये हमेशा याद रखिए, यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या को देना है, और अगर जोड़ रहे हैं तो दोनों संख्याओं का चिन्ह समान रहेगा, अगर हम घटा रहे हैं तो यहां वाला चिन्ह बड़ी संख्या को देना है और उसका उल्टा वाला चिन्ह छोटी संख्या को देना है। इतना सा नियम आपको याद रखना है, अगर आप नियम समझ गए हैं तो सवाल को हम लोग क्या करते हैं, एकदम स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हमारा खंड मिला नहीं, देखो
तो मैंने यहाँ देखा मुझे यहाँ पे क्या है प्लस, यानी संख्या जोड़ने पे आना चाहिए, घटाने पे हमें चेक करना ही नहीं है। तो 2 9 18 हुआ, नहीं आया। 3 × 3 के पहाड़े में 6 आता है, सॉरी 18 आता है, 3 × 6 = 18 और 3 और 6 को जोड़ो 9 आ गया। दोनों शर्तें लागू हो गई, गुणा करने पे 18 आ गया है और जोड़ने पर 9 आ गया है। यानी दोनों शर्तें जब लागू हो जाए तो वही दोनों नंबर को आप क्या कर लो, चुन लो। तो हमारे दो नंबर कौन हुए, 1 है 6 और 1 है 3। क्लियर? चलिए नंबर तो मिल गया। अब नंबर मिल गया है तो आपको इनकी चिन्ह देने हैं, इनको कौन सा चिन्ह देना है, इसको कौन सा चिन्ह देना है। तो अभी आपने देखा कि ये प्लस है, यानी कि दोनों हम जोड़ने पे कर रहे हैं। जोड़ते समय कब होता है जोड़, जब दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या होता है, समान होता है। यानी कि मुझे इन दोनों का चिन्ह समान रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। अलग अलग कब रखना है, जब हम घटा रहे होंगे तब। लेकिन यहां हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ रहे हैं तो हमें दोनों का चिन्ह क्या करना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा। अब दोनों का चिन्ह क्या होगा, तो ये डिसाइड करेगा। यहां प्लस है, यानी कि ये भी संख्या प्लस में, ये भी संख्या किसमें, प्लस में। दोनों संख्या मिल गई है, अब हमें क्या करना है, इसका यही दोनों संख्या, ये जो मध्य पद होता है इसी को हटा देते हैं इसके बाद। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, अब ये जो नंबर है उसको लिख दोगे धन 6, 6 लिखा, लेकिन यहां जो चरात्र है ना उसको भी लिखना ना भूले। 6x धन, दूसरा नंबर क्या है 3, और इसके भी पीछे क्या लगा दो x, बाकी आखिरी नंबर बिल्कुल वही उतार देना है। यानी कि सेकेंड लाइन में आपको क्या करना है, ये जो मध्य पद है उसको नहीं लिखना है, मध्य पद को नहीं लिखना है, उसकी जगह पर ये जो दो नंबर आए ना उसको चरांक के साथ लिख दोगे, और जो चिन्ह यहाँ पर है वही चिन्ह यहाँ पर भी लगाना है। ओके, अब इसके बाद इतना मिल गया तो आपको क्या करना है, दो दो की जोड़ी बना लेना है। दो दो की जोड़ी में अब आपको ढूंढना है, यही पे मेन काम स्टार्ट होता है कि इन दोनों में क्या सामान्य गुणनखंड है। तो पहले संख्या के बारे में सोचते हैं, संख्या यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, 1 और 6 किस पहाड़े में आता है, हाईएस्ट नंबर चुनिए, 1 और 6 सिर्फ 1 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या में बाहर कौन रहेगा, 1। और दोनों जगह देखो यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, यानी कि x भी बाहर आएगा। अगर दोनों पदों में चरांक है तो चरांक को भी बाहर ले लेगा, तो 1 के साथ चरांक भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब 1 के पहाड़े में 1 कितनी बार में आता है, 1 ही बार में, और 1 x बाहर गया तो अंदर क्या बचा, x है ना भाई। देखो x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x बुढ़े x, धन 6x का मतलब क्या हुआ, 6 × x, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और संख्या में कौन कॉमन आ रहा है, 1, क्योंकि 1 के पहाड़े में 1 भी आता है और 6 भी आता है। तो हम लोग ने बाहर क्या लिया, 1x को जब बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, x बचा, धन यहां क्या बचा, 6, ऐसे लिखेंगे ना। तो हमेशा जब भी डाउट रहेगा तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और यहां मैंने बताया कोई गुणांक नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो हमने क्या कॉमन लिया, 1 और 6 एक के पहाड़े में आता है, इसलिए 1 को बाहर ले लिया, क्योंकि 6 को भी कैसे लिख सकते हैं, 1 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, तो 1x को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6। ओके, यहां लिख देंगे x प्लस 6। अब दूसरा देखते हैं, यहां देखो अगर जो चिन्ह रहेगा यहां पे वही चिन्ह यहां पे लगा देना, प्लस लगा दिया। अब आपको देखना है 3x + 18 लिखा है, 3 × x मतलब क्या हो गया, आपको 3 × x × 1, और 18 किस पहाड़े में आता है, अगर उसको देखा जाए तो 2 × 9 = 18 होता है, 2 × 3 × 3 यही होता है ना, 2 × 3 = 6 × 6 = 18। मैं कॉमन लेना सिखा रहा हूं, तो देखो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है 1 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 × 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 × 6। तो इस तरह से आपको कॉमन लेना सीखना है। ये आपके नए लोगों के लिए जो बिल्कुल नहीं जानते तो कैसे गुणनखंड करेंगे। यहां पे हम सिंपल सी बात समझ सकते हैं, यहां 3 है और यहां 18, देखना है दोनों किस पहाड़े में आते हैं, तो 3 और 18 3 के पहाड़े में आते हैं, तो हम लोग 3 ले लेते हैं। अगर 1 से ज्यादा पहाड़े में आते हैं तो जो बड़ा नंबर रहेगा उसी को कॉमन लेना,
तो 3 और 38 पारे में आया, हमने देखा 3 के पारे में आया, तो 3 अगर बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस, यहाँ 18 नहीं छापना, 3 बाहर आपने लिया तो 3 के पारे में 18 कितनी बार में आता है, तो 6 बार में आता है, यहाँ क्या लिखोगे 6। और दूसरी चीज आपको मैच याद रखना है, यहाँ जो चीज आएगा वही दूसरे ब्रैकेट में आना ही चाहिए, अगर नहीं आ रहा है यानी आप गलत करें, दोनों कोष्टक सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 6 है उसको लिख लिया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1x, 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो, 1 को हम लोग गुणांक में नहीं लिखते, तो x प्लस क्या बचा 3, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया है, क्लियर। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग 2-3 सवाल और करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहां अगर नहीं समझे तो 9वीं 10वीं में भी दिक्कत आएगा, इसलिए यही समझो। क्वेश्चन नंबर सेकंड 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए स्टेप स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे ये सवाल किस रूप में, पहले देख लो ए की जगह पे क्या लिखा है ए, बी की जगह पे क्या है 10, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस, ये भी ध्यान रखना, और सी की जगह पे क्या लिखा है 9। इस तरह से हमने नंबर दे दिया, अब हमारा पहला स्टेप क्या बोला है उसने, ए गुणे सी करो, ए गुणे सी, ए यहाँ क्या है कोई नंबर नहीं मतलब एक है, तो ए का गुणा 9 में कर दो, कितना आ गया 9। अब आपको क्या करना है, दो ऐसी संख्या चुनना है जिसका गुणा करो तो 9 आ जाए, और जोड़ू की घटाऊं प्लस चिन्ह है यानी जोड़ू तो कितना आ जाए 10। क्या करना है, ऐसी संख्या चुनना है जिसका गुणा करो, ऐसी दो संख्या चुनना, सिर्फ एक नहीं, ऐसी दो संख्या चुननी है जिसका गुणा करो तो 9 आए, और उसी संख्या को जोड़ू तो 10 आए। तो पहले सोच लेते हैं 9 किस किस पहाड़े में आता है, 9 एक के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 9 के पहाड़े में आता है ना, एक के पहाड़े में 9 कितनी बार में आता है 9 बार में, 3 के पहाड़े में 3 बार में, 9 के पहाड़े में 1। अब आप सोचिए, अब इनको जोड़ने पे 10 आ रहा है क्या, यस, इसको जोड़ोगे तो 6 आता है, यानी कि ये तो नहीं ले सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी एक ही दोनों बात है, 1 गुणे 9 लिखो चाहे 9 गुणे 1 लिखो, दोनों एक ही बात होती है, क्लियर। तो ये मेरे दो गुणनखंड थे 9 के, उसमें से मैंने देखा कि पहली शर्त पे ही लागू हो गया, 1 गुणे 9 करता हूं तो 9 आता है, और 1 में 9 जोड़ता हूं तो 10 आता है, तो दो संख्या मिल चुकी है, एक है 9 और एक है 1। अब ये डिसाइड करना है कि इनको कौन सा चिन्ह दूं, तो क्या हो रहा है, मैंने यहां बताया अगर ये प्लस है यानी कि जोड़ने क्या है, और जोड़ते समय दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या रखना पड़ता है समान, हमेशा याद रखिए, जब भी वह जोड़ने पे आ रहा है यानी दोनों संख्या का चिन्ह समान, मतलब या तो दोनों तो प्लस में होगा या तो दोनों माइनस में होगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि दोनों को प्लस दो कि माइनस, ये डिसाइड करेगा, इसके आगे माइनस लगा यानी कि दोनों को क्या दो माइनस दो, ओके, दोनों नंबर मिल गए। अब आपको लिखते समय पहला पद उतार लेना है, मध्य पद वाला नहीं उतारना, यहाँ जो चिन्ह है ना वही उतारो, यहाँ दोनों संख्या के चिन्ह देखो क्या है माइनस 9, पहले बड़ी संख्या लिखने का छोटी संख्या बाद में, तो माइनस 9 चरण कौन था इसके पीछे एक्स, तो दूसरी संख्या क्या है माइनस 1x, x लगाना दोनों में बहुत जरूरी है, जो भी चरण रहेगा y रहेगा तो y लिखोगे, x रहेगा तो x लिखोगे, p रहेगा तो p लिखोगे, दोनों में वह चरण लिखना ही है, आगे का नंबर बिल्कुल वैसे उतार लो, हो गया ना 3 पद की बजाय 4 पद, अगले लाइन में 4 पद होने चाहिए टोटल, क्योंकि ये मध्य पद नहीं लिखते, इसकी जगह ये 2 पद लिखते हैं वो भी चरण के साथ। चलिए हमारा हो गया इतना काम, अब हमें कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ 1 है यहाँ 9 है, मतलब संख्या में तो 1 ही बाहर आएगा, चरांक अगर दोनों जगह रहेगा तो ना चरांक को बाहर जरूर ले लो, जब एक चरांक बाहर गया यहाँ घात 2 है यानी 2x के, 1x बाहर गया क्या बचा 1x, यहाँ क्या बचा माइनस का चिन्ह 9, क्योंकि x बाहर जा चुका है आपसे क्या बचेगा 9। अरे राजा ऐसे ही हुआ ना, x गुणे x था माइनस 9 गुणे x था, तो मैंने क्या बाहर ले लिया x, बाहर ले लिया x को, जब मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा x माइनस 9 ही बचा ना, है ना।
और दूसरी जगह क्या कॉमन आएगा, यहां जो चिन्ह था मैंने बोला वही लगा देना, लगा दिया। एक गुड़े एक्स धन नौ है, नौ मतलब क्या है, नौ गुड़े एक है क्योंकि नौ एकदम नौ होता है, तो कॉमन क्या आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है ना, जहां कोई कॉमन नहीं आएगा याद रखना वहां एक आएगा, जहां ना चरांक बाहर आ रहा है ना कोई संख्या बाहर आ रही है, मतलब क्या कॉमन आएगा एक। और दूसरी बात याद रखना, अगर ब्रैकेट के बाहर आपने माइनस को कॉमन ले लिया, ये माइनस यहां अगर है तो इसका मतलब है यहां पर तो मान लो एक्स बचा, कॉमन क्या दिया था यहां पे ए, कोई संख्या में मतलब क्या कॉमन है ए, और ये चिन्ह बदल जाएगा याद रखना, प्लस की बजाय ये क्या हो जाएगा माइनस, क्यों हो रहा है क्योंकि बाहर माइनस को कॉमन आपने ले लिया है माइनस ए, तो यहां माइनस और नौ क्योंकि एक बाहर जा चुका है तो क्या बचेगा नौ, और मैंने बताया था दोनों कोष्ठक के अंदर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, चिन्ह में भी फर्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए, तभी आप समझिए कि आप सही जा रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर लिख लेना है एक्स माइनस नौ, और एक बार बाहर वाला एक्स माइनस ए, ये हमारा नंबर गुणनखंड आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। तो ये हुआ हमारा नंबर फोर, तीसरा नहीं कराया क्योंकि तीसरा बिल्कुल पहले के जैसा है और आप उसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पहला दूसरा अगर आपने सीखा है तो चौथा तीसरा भी कर सकते हैं, चौथे में थोड़ा सा फर्क है इसलिए मैं आपको ये सवाल करा रहा। देखिए कभी कभी क्या होता है ऐसा सवाल भी आ जाता है, ऐसे तीन पद आते हैं ना कि उसके जो नंबर है ना वो किसी एक पहाड़ में आते हैं, तीनों में अगर भाग जा रहा है तो क्या करना है। जैसे यहां देखो, यहां पूरा में पांच है, यहां भी पांच है और यहां दस है, तो पांच और दस पांच के पहाड़ी में आते हैं, यानी कि सब नंबर में क्या हो रहा है पांच से भाग जा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो सबसे पहले उसे क्या करो, भाग दे करके, यानी कि जिस नंबर में वो आ रहे हैं, जिस पहाड़े में वो सारे नंबर आ रहे हैं, उस संख्या को क्या करोगे बाहर ले लोगे। जैसे यहां पे देखो, मैंने आपको बताया कि यहां पांच के पहाड़े में तीनों नंबर आ रहे हैं, तो पांच को मैं क्या करूंगा बाहर ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा y स्क्वायर धन y माइनस पांच दुनी दस, पांच को बाहर लिया यानी कि सबको पांच से भाग दे दिया, पांच एकम पांच यहां एक बचा, पांच एकम पांच यहां भी एक बचा, पांच दुनी दस यहां दो बचा। तो इस तरह से अगर आपको तीनों नंबर में भाग जाता हो तो ही, सिर्फ दो में जा रहा होगा तो नहीं, तीनों में जा रहा होगा भाग अगर किसी पहाड़े से, तो उसको पहले क्या करोगे डिवाइड कर लोगे। अब बाकी का इसके बिल्कुल से, अब ये पांच को हमेशा से बाहर रखते जाना है, आपको ये समझना है मेरा सवाल सिर्फ इतना है। तो यहां गुणा क्या है एक, यहां क्या है दो, तो पहले मैं कर दूंगा एक का गुणा दो में कितना आ जाएगा दो। अब ऐसी संख्या चुनना है जिसका मैं गुणा करूं तो दो आए, और यहां देखो माइनस है यानी कि घटाने पे यहां तो नंबर ही नहीं दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है मतलब क्या है एक है, जहां कोई नंबर नहीं दिख रहा है चरण के बाजू में वहां समझने का हमेशा एक है ही। जैसे यहां दो के पास एक दिख रहा है क्या, नहीं, दो एक कम दो होता है तो हमेशा वो एक नहीं लिखा जाता है। ऐसे चरण में यहां एक गुणे वाई करोगे तो वाई ही आता है, इसलिए एक नहीं लिखा रहता है, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमें मतलब घटाने पर एक आना चाहिए, तो एक ही तो पहाड़ा है, दो एक कम दो, दो में से एक घटा दो, एक आ गया, कितना सिंपल सी बात है। अब चिन्ह डिसाइड करो, सब काम नहीं करूंगा, चिन्ह डिसाइड करो यहां पे माइनस है यानी कि दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा, मैंने बताया था सी के आगे अगर चिन्ह ऋण हो तो संख्या बी घटाने पर प्राप्त होगी, घटाने पर प्राप्त हुआ ना, और दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग होगा, यानी कि दोनों संख्या को चिन्ह अलग अलग देना है, किसी एक को तो प्लस देना और किसी एक को तो माइनस, तो कौन डिसाइड करेगा, बड़ी संख्या बी के आगे जो चिन्ह रहेगा वही बड़ी संख्या को मिलेगा, तो बी के आगे प्लस है इसलिए यहां बड़ी संख्या प्लस में रहेगी, छोटी संख्या किस में रहेगी माइनस में। याद रखना जो चिन्ह यहां पे रहेगा वो हमेशा बड़ी संख्या को मिलेगा, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, दोनों नंबर मिल गया, पांच को मुझे ऐसे लिखते जाना है हमेशा बार बार। अब नंबर मिला तो क्या लिखोगे y स्क्वायर, ये मध्य पद को हटाकर ये दोनों लिखोगे यानी कि प्लस दो y माइनस वन y माइनस दो, ये दोनों नंबर मैंने क्या किया y के रूप में लिख लिया,
ओके, अब कॉमन ढूंढना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों जगह चरांक है, चरांक है तो बाहर ले लो, संख्या कितनी एक और, तो एक के पाणि मात्र, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक वाई बाहर गया तो वाई प्लस टू, क्योंकि यहां का वाई बाहर जा चुका है ना, दोनों में से वाई बाहर करने का। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, यहां चिन्ह कौन सा, माइनस माइनस लगा दो, माइनस जब लगा तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये आप बता याद रखना। अब देखो एक और दो है क्योंकि चरांक तो दोनों जगह है, चरांक अगर दोनों जगह नहीं मतलब चरांक को तो बाहर लेना नहीं। अब इसके बाद संख्या में देखो एक और दो, एक और दो एक के पहाड़े में आते हैं ना, तो एक बाहर ले लो। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ y और चिन्ह मैंने बताया, अगर यहाँ माइनस बाहर है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और एक के पहाड़े में दो आता है, दो बार में दो आ गया, सेम सेम आया कि नहीं, ये मिला लेने का, सेम सेम ही होना चाहिए। अब ये पांच, इसके बाद मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर y प्लस टू, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर y माइनस वन, आ गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 चौथा कराया था, पांचवा बिल्कुल आपको बारहवें के जैसा उसको मैं कराऊंगा तो आप वहां समझ लेंगे, छठा सातवां आठवां नौवां आपके सिलेबस से बाहर है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 6, 7, 8, 9 को हटा दिया गया है, बचा दसवां ग्यारहवां बारहवां। तो दसवां आप कर सकते हैं क्योंकि ऊपर वो जैसा आपको सवाल कराया गया है उसके जैसे आपको सवाल है, तो ग्यारहवें में थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए करा रहा हूँ, और एक बारहवां करा दूंगा क्योंकि थोड़ा सा वो बड़ा नंबर है तो उसको करा दूंगा। तो इस तरह से मेरे कितने सवाल हो जाएंगे, टोटल 5 सवाल, 8 में से मैं 5 करा रहा हूँ, 3 सवाल तो आप लोग कर ही सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था अगर कोई नंबर, देखो यहाँ 20 है, 26 है, 8 है, क्या ये तीनों नंबर किसी पहाड़े में आ रहे हैं क्या, यस आ रहे हैं। किस पहाड़े में आ रहे हैं, दो के पहाड़े में। सबसे पहले दो को क्या करोगे, ब्रैकेट के बाहर ले लोगे। अब दो से इसको डिवाइड करो, दो के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 10 बार, 2 × 20 होता है ना 10, एक्स स्क्वायर माइनस दो के पहाड़े में 26 कितनी बार में आता है, 13 × 26 होता है ना, दो से भाग दोगे 26 को कितना आ जाएगा 13, एक्स धन 2 × 8 भाग दे दिया। अब काम स्टार्ट करो शुरू से, पहले यहां 10 है, यहां कितना है 4, 10 का गुणा किसमें कर दोगे 4 में, कितना आ जाएगा 40, यानी कि गुणा करने पे 40 आ जाए, और यहां प्लस है, प्लस है यानी जोड़ने पे कौन सी संख्या है 13, तो ऐसी दो संख्या चलो 40 किस किस पहाड़े में आता है, 1 × 40 = 40 होता है, 2 × 20 = 40 होता है ना, जिस पहाड़े में 40 आता है उसको देखना है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है 4 × 40, 5 के पहाड़े में आता है 5 × 40 है ना, 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, 8 के पहाड़े में, यहां से रिपीट हो रहा है, तो यही नंबर है अपने जो 40 में आते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जोड़ के देखना है क्या 13 आता है, जब 40 और 41 होता है 13 नहीं आ रहा है, 20 × 2 = 22 होता है 13 नहीं आ रहा है, 10 × 4 = 14 हो रहा है 13 चाहिए नहीं चाहिए, 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 13 मिल गया कौन सा नंबर है 8 और 5। ओके अब नंबर्स मिल गया तो इनको क्या करना है, चिन्ह देना है। तो देखो यहाँ अगर प्लस रहेगा तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों संख्या समान रहेंगी, दोनों का चिन्ह क्या रहेगा समान रहेगा, तो इसको प्लस दो की माइनस डिसाइड कौन करेगा, ये वाले के आगे कौन सा चिन्ह है माइनस, यानी कि दोनों के आगे क्या आ जाएगा माइनस। चलिए नंबर मिल गया है, अब आपको लिखना है 2 × 10 × x², ये नंबर नहीं हटा देना, अभी क्या लिखना है माइनस 8 चरांकों है x माइनस 5 x धन 4, तो 3 से कितने बदल गए 4 बदल गए, 2 को तो ऐसे लिखते जाना है। अब कॉमन ढूंढिए, यहां थोड़ा सा कॉमन में दिक्कत है, अब यहां देखो चरांक भी दोनों जगह है और ये संख्या जो 10 है और ये 8 है ये दोनों किस पहाड़े में आते हैं, मतलब कॉमन ढूंढने का मतलब आप देखना है कि दोनों नंबर किस पहाड़े में आते हैं, तो 10 और 8 किस पहाड़े में आते हैं, दो के पहाड़े में, और दोनों जगह चरांक है तो चरांक भी एक क्या हो गया बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा 2 × 5 = 10 होता है ना, 2 बाहर गया मतलब उसको भाग देकर यहां भाग कर लिखोगे, 2 × 10 होता है यहाँ 5 और 1 x बाहर गया तो 1 x अभी बचा है, माइनस 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है 4 बार, तो 2 × 8 x तो बाहर जा चुका है इसलिए x यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस, अब 5 है और 4 है
पांच और चार किस पहाड़ में आते हैं, एक के पहाड़ में आता है, इसलिए संख्या अनुकोण बाहर आएगा। एक चरांक क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ तो है लेकिन यहाँ चरांक नहीं है, तो चरांक बाहर नहीं आएगा। पांच और चार सिर्फ एक के पहाड़ में आते हैं, इसलिए एक ही बाहर लेना है। तो एक जब बाहर गया तो यहाँ क्या बचेगा, पांच एक्स चिन्ह कौन सा आएगा, ध्यान से देख लो, यहाँ माइनस है, माइनस बाहर दिया है तो चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और एक के बारे में चार कितनी बार में आता है, चार। सेम आया कि नहीं ब्रैकेट के अंदर, यस सेम आना ही चाहिए। अब आपको क्या करोगे, पहले ये दो उतार लिया, अब ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर क्या था, फाइव एक्स माइनस फोर, और ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर क्या है, टू एक्स माइनस वन। आ गया आपका आंसर। 6.1 का आखिरी सवाल इसे मैं करा दूंगा, यानी कि मैंने टोटल करा दिए हैं पांच सवाल, और तीन सवाल बचेंगे, उसे आप जरूर पूरा करिए। जिसमें डाउट रहेगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 44, यहाँ एक, यहाँ तीन, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें आपको ये तीनों नंबर आ रहे हैं। एक तो सबके पहाड़े में आता है, एक को बाहर नहीं लेना है। अब अगला इसमें क्या करना है, ये 44 का गुणा 3 में कर दो, कितना आ गया 132। संख्या सोचो जिसका गुणा करो तो 132 आ जाए, दो संख्या ऐसी हो लो जो गुणा करने पे 132 आ जाए। और यहाँ माइनस है, माइनस है यानी कि घटाने पर, घटाने पर कितना आ रहा है, यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा, कोई नंबर मतलब एक, घटाने पे कितना आ जाए, एक आ जाए। तो आप सोचो सोचो 132 किस पहाड़ में आता है, तो मैं देखने गया तो 132 एकदम 132 होता है। दो से भाग दिया तो दो छम बारह छाछठ दुनिया 132 होता है। फिर तीन से तीन 44 दुनिया 132 होता है। फिर चार से चार तिहाई 12, चार तिहाई 12 33 चौक 132 होता है। और किस नंबर पर पहाड़े में आता है 132, चार हो गया, पांच हो गया, छ छ सात सात छ के पहाड़ में भी आता है, तो 22 छ 132, सात के पहाड़ में नहीं आता, आठ के पहाड़ में नहीं आता है, आठ के पहाड़ में आता है, नौ के पहाड़ में भी नहीं आता है, दस के पहाड़ में भी नहीं आता है, ग्यारह के पहाड़े में आता है, ग्यारह एक कम ग्यारह, ग्यारह दूनी 22। अब देखो 12 में से 11 घटाओगे तो एक आ जाता है, तो ये नंबर में से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इतने सारे गुणनखंड है, लेकिन ये सब तो गुणा करने पे 132 आ रहा है, लेकिन दूसरी शर्त नहीं लागू हो रही ना, घटाओगे तो एक आ रहा है क्या, इसको घटाओगे तो एक आएगा नहीं, सिर्फ ये नंबर है जिनका मैं गुणा कर रहा हूं तो 132 भी आ रहा है और घटा दे रहा हूं तो एक भी आ रहा है, तो मेरे नंबर मिल रहे हैं 12 और 11। वैसे भी आप अंदाज लगा सकते हो कि अगर घटाने पे एक आ रहा है यानी कि दोनों नंबर एकदम आसपास के रहेंगे, दोनों नंबर एकदम आसपास के रहेंगे, जितना अंतर रहेगा दोनों नंबर उतनी दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये अपने को ठीक ढंग से सोचने करना है। अब इनके चिन्ह डिसाइड करो, चिन्ह डिसाइड करो, यहां माइनस है यानी घटा नहीं पा रहा, घटा नहीं पा रहा यानी कि दोनों के चिन्ह अलग अलग रहेंगे, दोनों के चिन्ह अलग रहेंगे तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, कौन बड़ा नंबर किस में रहेगा, कौन डिसाइड करेगा, यहां पर बड़ा नंबर माइनस में है यानी माइनस दे दो इसको, और छोटा नंबर प्लस में। अब आगे आपको नंबर्स मिल गया, लिख लो 44x² उतारा, माइनस 12 उतार लिया हूं, एक्स लगा दिया हूं, प्लस 11 उतार लिया हूं, एक्स लगा दिया हूं, माइनस 3, चार पद बन गए। अब आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। तो 44 और चरांक तो दोनों जगह, मतलब चरांक तो बाहर आएगा लेकिन संख्या पे विचार करो, 44 है और यहाँ 12 है, 44 और 12 किस पहाड़ में आते हैं, तो देखा जाए तो दो के पहाड़े में भी आते हैं और चार के पहाड़े में भी आते हैं, तो दोनों में बड़ा कौन है, चार बड़ा है ना, तो चार को क्या करोगे बाहर ले लोगे, एक्स दोनों जगह है तो एक एक्स भी क्या हो जाएगा बाहर। अब चार से 44 को भाग दो, चार एकम चार, चार एकम चार, एक्स एक बाहर गया तो एक अंदर बच रहा है, माइनस चार तिहाई 12 तो तीन आ गया, एक्स बाहर जा चुका है इसलिए वहां पे सिर्फ तीन बचेगा, धन 11 और 3 किस पहाड़ में आते हैं, एक के पहाड़ में, चरण क्योंकि दोनों जगह है नहीं तो चरण तो बाहर आएगा नहीं, सिर्फ संख्या में एक, यहां कोई कॉमन नहीं आ रहा वहां पे एक कॉमन आता है, तो 11x - 3, चिन्ह नहीं बता क्यों, क्योंकि आगे यहां प्लस था,
माइनस रहेगा तब चिन्ह बदलता है। देखो सेम सेम आ रहा है, ये भी चिन्ह बदल देगा। तो एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला 11x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 4x प्लस 1 आ गया आपका आंसर। तो 6.1 कंप्लीट करने का, और जय श्री राम।